नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, स्पेशल टीचर जिला ब्लॉक पिल्लूखेड़ा से आप सभी अभिभावकों व बच्चों का घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के इस पीरियड के दौरान हमारे स्कूल्स बंद हैं और हम रूटीन में वीडियोस के द्वारा काम भेजकर आप बच्चों को काम करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि बार बार आपको बताया भी जाता है कि इस वक्त में आप अपनी साफ सफाई और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि हम वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आप रूटीन में वीडियो के थ्रू अपना काम कर रहे होंगे देखकर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक टॉपिक में हमने मैथ के एक चैप्टर से वन से टेन नंबर तक, एक से दस तक गिनती का कंसेप्ट किया था, क्लियर हो गया था वो हमारा। आज हम नंबर और नंबर नेम करेंगे, एक से दस तक ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर मैंने यहाँ क्या लिखा है, नंबर, और इधर लिखा है नंबर नेम। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है मैंने, एक, एक यानी वन, O-N-E, वन। आप साथ के साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे भी अपनी कॉपी में। एक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर नेम क्या है, वन, O-N-E। फिर है टू, ये क्या लिखा है, टू, हिंदी में बोलते दो, इंग्लिश में बोलेंगे T-W-O, टू। फिर है थ्री, T-H-R-E-E, थ्री। फिर है फोर, F-O-U-R, फोर। नेक्स्ट है फाइव यानी पाँच, F-I-V-E, फाइव। छः यानी सिक्स, S-I-X, सिक्स। फिर है सेवन, सात यानी सेवन, S-E-V-E-N, सेवन। फिर है आठ, आठ यानी एट, इंग्लिश में लिखेंगे E-I-G-H-T, एट। नाइन, N-I-N-E, नाइन, नाइन मतलब नौ, N-I-N-E। फिर है टेन यानी दस, टेन। एक बार हम फिर से करते हैं। पहले मैं नंबर पढूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब नंबर नेम इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं वो आप देखेंगे और लिखेंगे। वन, O-N-E, वन। T-W-O, टू। T-H-R-E-E, थ्री। F-O-U-R, फोर। F-I-V-E, फाइव। S-I-X, सिक्स। S-E-V-E-N, सेवन। E-I-G-S-T, एट। N-I-N-E, नाइन। T-E-N, टेन। अब हम स्लेट पर प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ लिखेंगे। एक, एक मतलब वन, O-N-E, वन। फिर है दो, दो मतलब टू, T-W-O, टू। नेक्स्ट है थ्री, T-H-R-E-E, फिर है चार, चार मतलब फोर, F-O-U-R। नेक्स्ट है पाँच, पाँच मीन्स फाइव, F-I-V-E, फाइव। नेक्स्ट सिक्स यानी छः, S-I-X, सिक्स। सेवन, S-E-V-E-N, सेवन। एट, E-I-G-H-T, एट। नो, नाइन, N-I-N-E,
नाइन, दस यानी टेन, टी ई एन। अब बच्चों जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से वन से टेन तक काउंटिंग और इनके नंबर नेम आपने लिखने हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे बुक। तो बच्चों हमने अभी एक से दस तक नंबर नेम किए हैं, वन टू टेन। अब हम बुक में एक्सरसाइज करते हैं। हमने नंबर को देखना है और नंबर नेम लिखना है। देखिए जैसे एक्सरसाइज में करके दिखाया गया है, ये क्या है, एट। तो यहाँ पर नंबर नेम लिखा है ई आई जी एस टी, एट। नेक्स्ट है टू, तो टू है तो हम कैसे लिखेंगे नंबर नेम, टी डब्ल्यू ओ टू, इस तरह से। फिर है सेवन, तो सेवन को नंबर नेम लिखना है हमने, हमारे पास जो जगह दी गई है इसमें लिखेंगे एस ई वी ई एन, सेवन। नेक्स्ट है क्या है थ्री, तो थ्री को लिखेंगे नंबर नेम, टी एच आर डबल ई थ्री। फिर है फाइव, तो फाइव किस तरह से लिखेंगे, एफ आई वी ई फाइव। नेक्स्ट नंबर है टेन, टी ई एन टेन। नेक्स्ट क्या है वन, तो ओ एन ई वन। नेक्स्ट है सिक्स, एस आई एक्स सिक्स। नेक्स्ट है फोर, एफ ओ यू आर फोर। नेक्स्ट है नाइन, एन आई एन ई नाइन। तो बच्चों हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसी तरह से आपके नंबर और नंबर नेम की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, नंबर नेम रीड करना है और उसके नंबर का नेम लिखना है। तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एफ आई वी ई यानी फाइव, ये हमारे लिए करके दिया गया है। नेक्स्ट में हम खुद करेंगे, टी एच आर डबल ई थ्री, तो थ्री का हमें नंबर लिखना है थ्री। नेक्स्ट नंबर नेम है एन आई एन ई नाइन, तो नाइन का नंबर होगा इस तरह से लिख देंगे नाइन। नेक्स्ट है टू, टी डब्ल्यू ओ टू, तो नंबर नेम क्या हुआ, नंबर हुआ टू। ई आई जी एस टी एट, एट हमारा नंबर नेम है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे एट, इस तरह से हम एट लिख देंगे। नेक्स्ट है नंबर नेम फोर, तो फोर हम एफ ओ यू आर फोर, तो ये फोर लिख दिया हमने। टी ई एन टेन, टेन मीन्स टेन, वन जीरो टेन। एस आई एक्स सिक्स, तो सिक्स हमारा ये होता है नंबर। ओ एन ई वन, वन नंबर है हमारा ये। एस ई वी ई एन सेवन, तो सेवन नंबर नेम है, हमने नंबर लिखना है सेवन, तो ये हमारा नंबर नेम सेवन हो गया। तो हमने इसमें दो एक्सरसाइज की हैं, एक में जिसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमने नंबर नेम लिखे हैं, और सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास नंबर नेम दिए गए हैं और हमने उनको नंबर में कन्वर्ट किया है यानी नंबर्स में लिखा है। तो प्यारे बच्चों आपको भी इसी तरह से ये एक्सरसाइज करनी है और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। लिख कर देखिए, इसमें सारे नंबर नेम दिए गए हैं, ये आगे पीछे हैं, बीच बीच में से दिए गए हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें और कर सकें। अब मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स से भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे पास लकड़ी का ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर क्या लिखा है, नंबर लिखा है वन। जैसे ही हम इसको उल्टेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा नंबर नेम ओ एन ई। अब दूसरी साइड में देखेंगे, यहाँ मिलेगा नंबर, ये क्या है टू, टू का नंबर नेम देखेंगे तो ये मिलेगा टी डब्ल्यू ओ टू। तो इस तरह हम ब्लॉक्स को देखकर भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं ताकि हम आसानी से इसको सीख सकें। उसके बाद मैं सेकंड ब्लॉक लेती हूँ, सेकंड ब्लॉक है मेरे पास, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इस पे, थ्री। अब हम थ्री का नंबर नेम देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, थ्री, टी एच आर डबल ई
नेक्स्ट किस साइड करूँगी तो देखिए ब्लॉक पर क्या है ये फोर, फोर का नंबर नेम है एफ ओ यू आर फोर। नेक्स्ट ब्लॉक है फाइव, फाइव का नंबर नेम जैसे ही हटाएंगे देखेंगे एफ आई वी ई फाइव। ब्लॉक को फिर से हम इधर करेंगे तो ये क्या है सिक्स, सिक्स का नंबर नेम देखेंगे ब्लॉक को एस आई एक्स सिक्स। सेवन, तो सेवन का नंबर नेम ये देखिए एस ई वी ई एन सेवन। नेक्स्ट है एट, एट का नंबर नेम है ई आई जी एस टी। ये ब्लॉक्स भी हम सिखाने के लिए रखते हैं ताकि आप इजली सीख सकें। अब ये देखिए ये है नाइन, नाइन का नंबर नेम जैसे ही हम ब्लॉक को इस साइड करेंगे तो नाइन मिलेगा एन आई एन ई। अब ये देखिए लास्ट क्या है वन जीरो टेन, तो टेन का नंबर नेम हमारे पास है टी ई एन टेन। तो प्यारे बच्चों हमने आज एक से दस तक नंबर नेम सीखे हैं। पहले मैंने इस एक बोर्ड पर स्केच के साथ लिखे हैं, उसके बाद इनके नंबर नेम लिखे हैं। आपने भी इसी तरह अपनी नोटबुक में नंबर्स लिखने हैं, उनके सामने नंबर नेम लिखने हैं और उनके स्पेलिंग याद करने हैं। उसके बाद हमने बुक से एक्सरसाइज की है, इसी तरह की एक्सरसाइज आपने रफ नोटबुक में लिख लेनी है या पेरेंट्स से या बड़े भाई बहन से प्रैक्टिस के लिए लिखवा लेनी है। पहले एक साइड में आप नंबर्स लिखवाएंगे और बच्चे को साथ में नंबर्स नेम आप खुद से याद करके लिखकर दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे आप, आपने नंबर नेम लिखवा कर ले लेंगे अपने मम्मी पापा से या बड़े बहन भाई से, और आप नंबर नेम के नेम लिख के दिखाएंगे, नंबर लिख के दिखाएंगे। तो इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे, हमने अपनी स्लेट पर भी प्रैक्टिस की थी नंबर्स की, और हमने ब्लॉक्स के साथ, ये ब्लॉक्स थे हमारे पास वन टू थ्री, इस तरह से हमने ब्लॉक्स के साथ भी प्रैक्टिस की है। ये प्रैक्टिस इसीलिए हम अलग अलग चीज़ों से करते हैं ताकि आप बच्चे आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। अंत में और इसी के साथ अंत में मैं सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों का विशेषतः ध्यान रखें, क्योंकि ये जो कोरोना का समय है, बीमारी जो फैली हुई है, इसमें विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वो पढ़ पाएंगे। और आप सबसे अनुरोध यह भी है कि जो भी काम हम WhatsApp के जरिए वीडियोस के द्वारा भेज रहे हैं बच्चों को, वो काम करवाने में उनकी मदद करें, क्योंकि जब हम काम भेजते हैं हो सकता है उसमें कोई चीज़ बच्चा नहीं पकड़ पाता, तो उसमें पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं और बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ें समझाने में मदद करें। घर में जो सामान है उससे नंबर्स गिनने में, नंबर नेम पूछने में उनकी हेल्प करें, तभी बच्चा जैसे जैसे चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो हम अपने 7 से 11 वर्ष के जो मानसिक तथा बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भेजते हैं, और उनके लिए सीखना इतना आसान नहीं होता, तो उनको सिखाने के लिए हमें विशेष साधनों का, विशेष तरकीब का प्रयोग करना पड़ता है ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। तो इसी के साथ आप सभी अभिभावकों व बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तब तक मेरी आपसे आशा है कि आप जितने भी वीडियोस हमने भेजे हैं उनका कार्य आपने पूरा कर लिया होगा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप WhatsApp पर अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें। इसी के साथ